हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। पार्ट वन हम लोगों ने ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट चीज़ें टॉपिक्स सब डिस्कस कर रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में, इस पार्ट में हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले है मिडिवल इंडिया, तो हम मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं। मिडिवल इंडिया में हमें तीन ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, दैट इज़ दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो दिल्ली सल्तनत में आपको पांच डायनेस्टी मिलेंगी। आपको वो पांच डायनेस्टी में अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग रूलर्स का आपको क्रम याद कर लेना है कि कौन पहले आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, और किसने क्या चीज़ जो है, जैसे बाजार व्यवस्था किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये आप याद कर लीजिए। तो और किसने क्या बनाया, ठीक है, जैसे कुतुब मीनार जो है, नींव किसने डाली, उसको कंप्लीट किसने करवाया, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें। और ये किसकी कौन से जो है सेंट पर बेस्ड है, तो वो आपका भक्ति मूवमेंट से भी रिलेटेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको कवर करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप मुगल एम्पायर हैं, तो मुगल एम्पायर तो बहुत बड़ा भी और इम्पॉर्टेंट भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है उसमें जो है जो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स बने, मॉन्यूमेंट्स बने, वो याद रखिए कि कौन है, आपको जो सीरियल ऑर्डर है कि कौन एम्पायर पहले आए, कौन एम्परर पहले आए, फिर कौन आए, फिर कौन है, तो आपको ये। और किसने जो है, जैसे आपका बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल हो गया, बैटल ऑफ हल्दी घाट हो गया, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, तो ये सब चीज़ें बेसिक क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके बनेंगे। तो आप एक स्टोरी के तरीके से सब चीज़ें पढ़ते हुए चले जाइए। फिर भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, तो भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स में कौन कौन से जो थे वो मतलब हुए हैं, जैसे कबीर हुए हैं, मीराबाई हुए हैं, तो इनके गुरु कौन थे, ये किसकी शिष्य थी, इनके शिष्य कौन थे, और ये जो है क्यों फेमस हुए, और इनकी किताब क्या है, इन्होंने कौन सी किताब लिखी या कौन सी चीज़ें जो है इन्होंने करी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी भक्ति और सूफी मूवमेंट्स में आ जाएंगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। अगर आपके पास ल्यूसेंट बुक है तो बेस्ट है, आप उतना पढ़ लीजिए, बहुत है। फिर भी अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप हाई स्कूल की बुक लीजिए, उससे पढ़िए, बहुत दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। नाइन्थ टेंथ की बुक लीजिए, उसमें काफ़ी अच्छे से सब डिस्क्राइब करा हुआ है, सब चीज़ें बता पढ़ी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्लास एट, नाइन्थ और टेंथ, तीन बुक्स क्लासेस के याद रखिएगा, एट, नाइन्थ एंड टेंथ की तीन किताबें उठा लीजिए और तीनों को अच्छे से पढ़ डालिए, सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके लिए आपको क्या करना है, ICSE की या फिर आपको NCERT की, UP बोर्ड की भी आप ले सकते हैं, आप किसी भी बोर्ड में क्लास टेंथ की बुक लीजिए, बहुत अच्छे से सब चीज़ डिस्क्राइब करी गई है, सब चीज़ें डिटेल में दी गई हुई है, सब आपको याद करना है कि रिवोल्ट ऑफ 1857 में किसने क्या भूमिका निभाई, कितनी इम्पोर्टेंट, जैसे आया था आपका सुपर टेट में प्राइमरी लास्ट ईयर कि जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय पे क्वेश्चन था कि जो है वो मतलब कि मूवमेंट के दौरान उनको लाठी पड़ गई और उनकी डेथ हो गई, तो वो कौन से लीडर थे, तो लाला लाजपत राय। तो आपको ऐसी चीज़ें याद रखनी है, और स्टोरी एक तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आपको एज अ पूरी स्टोरी के तरीके से सारे मूवमेंट सब चीज़ें कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, ओके। जब कोई अच्छा रिस्पांस मिलता है तो फिर वो चीज़ करने का मन करता है, और फिर मतलब वीडियोस बनाने का भी दिल का तो अच्छा लगता है कि हाँ इतना जो है उस पर मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। फिर चलिए अब उसके बाद आता है आपका नेशनल मूवमेंट्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपकी जो है पार्ट वन को भी कवर करेगा। तो आपकी जो है पार्ट वन भी कवर हुआ जा रहा है और आपका पार्ट टू भी कवर हुआ जा रहा है नेशनल मूवमेंट्स में। तो नेशनल मूवमेंट्स में आप याद रखिएगा कि किसने कौन से न्यूज़पेपर लिखे, ठीक है, जैसे होम रूल मूवमेंट हुआ, ठीक है, और फिर राजा राम मोहन रॉय ने कौन सी आपकी जो स्थापना करी थी, फिर विवेकानंद ने कौन सी करी, दयानंद सरस्वती ने क्या करी, ठीक है। तो ये चीज़ें, प्रार्थना समाज किसने करी, तो ये सब चीज़ आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ, क्यों हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, ठीक है। तो काकोरी में कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से नेता लोग
थे और जलियांवाला बाग जो है कौन था जो जनरल जिसने आपकी गोलियां चलाई थी, तो यही आएंगे क्वेश्चंस। इनसे ज़्यादा टफ थोड़ी ना दे देगा वो आपको। 9th एंड 10th कवर करना है और नेशनल मूवमेंट्स के लिए क्लास 10th की बुक बेस्ट है, पढ़िए, रीड करिए, स्टोरी तरह पढ़िए और जो वीडियोस यूट्यूब्स पे पड़ी हुई हैं वो आप देखिए, एमसीक्यूज करिए, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर। लेकिन अगर आप बुक नहीं रीड करेंगे, स्टोरी नहीं, आप कुछ चीज़ नहीं पढ़ेंगे और आप चाहेंगे हम एमसीक्यू कर लें तो नॉट पॉसिबल। आप 100 रट लेंगे, 200 रट लेंगे, 500 रट लेंगे, वो चीज़ आप इतनी डीप में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर आता है INC's का, तो फॉर्मेशन कब हुआ, जैसे आपका लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो कौन सी बैठक में हुआ था INC की। फिर उसके बाद जैसे आपका किस में स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट्स एंड रेडिकल्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से में गांधी जी ने मतलब करा था, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने रिज़ाइन करा था और उनको किसने लिया था, मतलब ये सब चीज़ें किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ और लास्ट कौन थे, ये सब चीज़ें आपको। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे जो मेंबर लीडर अध्यक्षता की थी INC की, तो ये सब चीज़ आपकी जो है बेसिक है और ये चीज़ पूछी जाती है आपकी। UP जूनियर सुपर टेट तो आप दे रहे हैं उसके लिए साथ साथ आपकी जो है जो प्राइमरी सुपर टेट है उसकी भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी स्ट्रगल पूरे फ्रीडम के दौरान हुआ है 1857 से लेकर आपका 1947 तक की ये पूरी जो घटना है, अगर आपने एक एक स्टेप से अच्छे से पढ़ ली, स्टोरी पढ़ी, स्टोरी एक तरह पढ़िए, हिस्ट्री क्या है आप स्टोरी एक तरह पढ़िए, बोर होकर ना पढ़िए, मज़े लेके पढ़िए। फिर उसके बाद आता है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइज ऑफ मगध एंड मौर्यन एम्पायर, तो ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी कि किसने किसकी स्थापना करी, उसके फर्स्ट रूलर कौन थे, लास्ट रूलर कौन थे, अगर कोई इंपॉर्टेंट रूलर था, कोई चीज़ नई चीज़ स्थापना हुई, जैसे बौद्ध सभा प्रथम कहाँ हुई, द्विति बौद्ध सभा कहाँ हुई, तो ये सब चीज़ें आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अशोक कौन से युद्ध के बाद जो उन्होंने अपना परिवर्तन करा था, बौद्ध में आए थे, फिर कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, ठीक है, और मतलब अशोक कितने साल बाद कलिंग युद्ध लड़े थे, ऐसे 9वें या 8वें 13वें, मतलब ऐसे 9वें साल में कलिंग युद्ध लड़े थे, तो ये सब चीज़ें आपके जो है क्वेश्चंस बनेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर, फिर मौर्यन जैसे चाणक्य हैं, तो चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी, तो ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे, तो आप ऐसे पढ़िए। फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो है कहाँ हुआ, किस रिवर के पास हुआ और उसमें जो है आप जैसे ग्रेट पाथ है आपका, ठीक है, तो मतलब जो भी वहाँ पे आपके जो कॉइन्स हुए वो कौन से हुए, कौन से स्कल्प्चर जैसे टेराकोटा हुआ, तो ये सब चीज़ें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिली, डांसिंग गर्ल, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे कवर करनी। फिर जो एजेस आपका है ये आप बस एक पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वैसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आप छोड़ देंगे या फिर आप ऐसे टिक लगा देंगे तो वो चलता है, इतना तो आप, या फिर आप एक बार रीड कर लीजिए कि कौन से एज में किस मैटर या किस चीज़ का जो है वो होता गया और क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ती रही, आप ऐसे करके भी देख सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ अगर देख लिया, इतना देख लिया, आपका पार्ट वन पार्ट टू मतलब आपका जो पेपर वन और पेपर टू है पूरा तैयार, कोई आपको बीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, प्यार दीजिए चैनल सक्सेस मंत्रा को, और सक्सेस मंत्रा आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लेते आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।